नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी की लगातार दूसरे दिन आज फिर होगी पेशी। कल 6 घंटे तक हुआ था सवाल जवाब। कांग्रेस की आज भी देश भर में प्रदर्शन की तैयारी। सदन में आज भी हंगामे के आसार। विपक्ष उठाएगा सांसदों के निलंबन का मुद्दा। कल राज्यसभा से 19 सांसद एक हफ्ते के लिए हुए थे सस्पेंड। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में पार्थ और अर्पिता के बाद ईडी की रडार पर विधायक माणिक भट्टाचार्य। पूछताछ के लिए पहुंचे ईडी दफ्तर। बीजेपी करेगी प्रदर्शन। कर्नाटक के बेल्लारे में भारतीय युवा मोर्चा के नेता की बेरहमी से हत्या। कातिलों ने धारदार हथियार से किए कई बार विरोध में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। आज कई इलाकों में बंद का ऐलान। भोपाल में बीते छात्र की मौत के मामले में आज से एसआईटी की जांच शुरू। मोबाइल पर मिला था तन से जुदा होने वाला धमकी वाला मैसेज। गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने दिए थे जांच के आदेश। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 से 3 आतंकियों के घिरे होने की आशंका। मुठभेड़ में एक जवान जख्मी। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पर आज आ सकता है सुप्रीम फैसला। कानून की संवैधानिकता को दी गई चुनौती। तय हो सकते हैं ईडी के अधिकार। गुजरात के बोटाद में केमिकल पीने से मरने वालों की संख्या 39 हुई। भावनगर में 60 लोग अब भी अस्पताल में भर्ती। सीएम ने अधिकारियों के साथ बैठक में कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए। 2025 में होने वाले महिला क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करेगा भारत। 8 टीमों के बीच खेले जाएंगे 31 मैच। आईसीसी ने किया ऐलान।